हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे खाना जी के लिए ब्यूटीफुल साइड ड्रेस ये देखिए हमने काना जी के लिए जैकेट बनाई है और ये साथ में हमने मैचिंग की कैप भी बनाई हुई है ये आप चार नंबर और पाँच नंबर जी को पहना पाएंगे मैं आपको काना जी को देखिए पहना के भी दिखा देती हूँ ये चार नंबर के हमारे काना जी हैं इनको पहनाना बहुत ईजी है फ्रील वाली हमने यहाँ पे काना जी की स्लीव बनाई है इसके नीचे आप पैंट भी बना के पहना सकते हैं या फिर आप कोई भी कॉटन की ड्रेस वगैरह पहना के इस तरीके से जी को जैकेट ऊपर से पहना सकते हैं अगर आप पांच नंबर काना जी को पहनाते हैं तो ये जैकेट आप फ्रंट ओपन की जगह बैक ओपन पहनाइए बहुत अच्छे से आ जाएगी इसलिए थोड़ी बड़ी ही है बस आप चार नंबर को पहनाएंगे तो फ्रंट ओपन ऐसे आ जाएगी और ये देखिए बहुत अच्छे से काना जी को जैकेट आप गई है इसके साथ आप पैंट भी यूज कर सकते हैं या नॉर्मल आप कॉटन की ड्रेस बना के भी काना जी को पहना सकते हैं और ये साथ में हमारी मैचिंग की कैप हो गई है काना जी की देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लुक लग रहा है काना जी की ड्रेस का ये देखिए और बहुत अच्छे से काना जी देखिए कवर भी हो गए ये देखिए मैं थोड़ा सा पास से दिखा दे रही हूँ आपको ये देखिए हमारे जी की कैप कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है और ये जो हमारी स्लीव का डिजाइन है बहुत ही सुंदर आ रहा है ये देखिए तो ये चार और पांच नंबर जी को आराम से आ जाएगी चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की ड्रेस जी की ये देखिए फ्रेंड्स आज की ड्रेस बनाएंगे हम दो कलर की ऊन से ये बेबी सॉफ्ट वूल है और इसमें देखिए तीन धागे से होते हैं और हल्का हल्का सा रेशा होता है बहुत सॉफ्ट ऊन होती है इसके साथ हम करेंगे बारह नंबर का क्रोशिया हुक यूज ये देखिए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखिए सबसे पहले हम एक लूप बना लेंगे इस तरीके से जैसे नॉट लगाते हैं क्रोशिया हुक इसमें डालेंगे हल्का सा धागे को ऐसे खींच देंगे इतना खींचेंगे जिससे कि हमारा क्रोशिया हुक यहाँ पे अच्छे से मूव हो सके ज्यादा टाइट ना रहे आप हम यहाँ पे देखे लेंगे चेन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस ये देखिए मैंने यहाँ पे छब्बीस चेन बना लिया है अब हमें देखिए धागा इसे क्रोश पर लपेटना है और एक दो दो चेन छोड़नी है तीसरी चेन में क्रोशिया हुक डालना है धागा लपेटेंगे तीन चेन है तीन चेन में से दो चेन निकालेंगे और ये दो चेन अब इससे जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी हमें ऐसे ही करना है दो चेन निकाली फिर दो चेन फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे फिर ऐसे ही करेंगे इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं ऐसे करते हुए हमें ये जितनी भी चेन हमारी है यहाँ पे सभी में से एक एक बार डबल क्रोशिया करना है देखिए इस तरीके से हमारी ये बनकर आ जाएगी चलिए मैं सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेती हूँ ये देखिए मैंने सभी चेन में से एक एक बार यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरीके से कर लिया है हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है अब हम यहाँ पे देखिए एक दो।, दो चेन लेंगे और अब को टर्न करेंगे अब हमारी जो फर्स्ट चेन है उस पर हमने दो चेन लिए इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे अब इसके बाद जो नेक्स्ट चेन आएगी हमारी उस पर भी हमें एक डबल क्रोशिया करना है देखिए सीधी पट्टी बनानी बस हमें सभी चेन पे से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है अभी नेक्स्ट चेन में डाला एक डबल क्रोशिया किया फिर नेक्स्ट चेन में डाला एक डबल क्रोशिया ये रो भी हमें ऐसी पूरी कर लेनी है चलिए मैं कर लेती हूँ ये देखिए हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है बस ये लास्ट की हमारी यहाँ पे देखिए इस चेन के ऊपर तक हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया ले रखा है अब ये हमारा एक डबल क्रोशिया देखिए ये वाला और ये हमारी जो दो की चेन लेते हैं हम तो ये जो किनारे पे हमारा देखिए ये दो डबल क्रोशिया है लेकिन हमें ये अगर ऐसे देखेंगे तो एक ही चेन नजर आती है तो हमें क्या करना है ये चेन हमें स्किप नहीं करनी है ये डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है और जो हमने स्टार्टिंग में दो की चेन ली थी एक और ये दो दूसरी चेन में डाल के यहाँ भी हमें एक डबल क्रोशिया लेना है नहीं तो हमारी ना यहाँ पे जो पट्टी सीधी की जगह थोड़ी सी तिरछी हो जाती है फंदे घटते चले जाएंगे बस इस बात का ध्यान रखना आपको आप जब भी सीधी पट्टी बनाए अब हमारे यहाँ पे दो डबल क्रोशिया की रो कम्प्लीट हो गई इसके बाद हमें दो चेन लेनी है वर्क को टर्न करना है और इस वाली रो में भी हमें डबल क्रोशिया करना है ये हमारी तीसरी रो है और ये भी सीधी हमें बस ऐसे ही बनानी है सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशिया लेके ये देखिए चलिए मैं ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ ये देखिए हमारे यहाँ पे तीन रो कंप्लीट हो गई है और टोटल मैं आपको डबल क्रोशिया यहाँ पे काउंट करके दिखाऊं तो दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस और एक पच्चीस टोटल हमने यहाँ पे 26 चेन ली थी और हमने दो चेन स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था तो हमारी हाँ पे एक चेन कम हो गई गई टोटल पे डबल क्रोशिया आ है अब हमें क्या करना देखिए एक चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे अब हमारे यहाँ पे पांच जो चेन है उन्हें छोड़ना है तो ये पहली चेन है जिसपे हमने ये किया हुआ है एक चेन ली हुई है एक दो तीन चार पांच हमें ये पांच चेन स्किप करनी देखिए स्किप करने के लिए क्या करेंगे ये चेन लेके एक क्रोशिया चेन में डालेंगे हम क्रोशिया हुक और ये ऐसे पहले वाली चेन में से निकाल देंगे तो हम दूसरी चेन पे आ गए अब तीसरी चेन में डालेंगे क्रोशिया हुक ऐसे और पहली वाली चेन में से निकाल देंगे फिर चेन में डालेंगे और फिर निकाल देंगे हमें पांच चेन छोड़ के छठी चेन पे क्रोशिया हुक अपना लेके आना है ये देखिए एक दो तीन चार पांच हमने पांच छोड़ दिया और छठी जो हमारे डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम यहाँ पे चेन में स्लिप स्टिच करके आ गए हैं अब हमें यहाँ से वर्क अपना स्टार्ट करना देखिए दो चेन ले ली अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है जैसे हमने इस साइड में पांच चेन छोड़ी है ऐसी हमें दूसरी साइड भी पांच चेन छोड़नी है तो हमने यहाँ पे बीच की जितनी भी चेन है सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है ये देखिए मैं सभी चेन में कर रही हूँ बस अभी हम काउंट नहीं करें जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे उसके बाद हम चेन काउंट करेंगे और चेन काउंट करके छोड़ेंगे यहां से हमारी स्लीव बन रही है देखिए मैंने कहीं भी वीडियो स्किप नहीं किया मैं आपको पूरा बना के दिखा रही हूं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो अभी देखिए हमारे यहाँ पे एक दो तीन चार और ये पांच पांच चेन हमारी बज गई पांच डबल क्रेशिया के ऊपर पांच चेन है देखिए एक दो तीन चार पांच तो हमें क्या करना है यहीं से अपने वर्क को टर्न करेंगे दो चेन ली वर्क को टर्न किया अभी जितनी भी चेन है हमारी जो हमने बनाई है अभी इनके ऊपर सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है चलिए मैं ये रो सभी चेनों में से एक एक बार डबल क्रोशिया कर करके पूरा कर लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है बस हमें यहाँ से अब दो रो बना लिया हमने यहाँ पांच पांच चेन छोड़ने के बाद यहाँ से बस हमें धागा कट कर देना अपना तो सिंपल सी हमने देखिए एक सीधी सी पट्टी बना ली ये देखिए सिर्फ डबल क्रोशिया यूज किया अब हम इसमें क्या करेंगे अपना स्लीव की आउटलाइन बनाएंगे थोड़ा सा तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन ले रही हूं तो ये जो हमारी फर्स्ट चेन है ये वाली जो पहली चेन है उसमें हमें क्रोशिया हुक डालना है अपना यहां से नॉट लगा लेंगे देखिए और ये चेन में से धागा निकाल लेंगे अब हमारा धागा यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे हमें फिर से ऐसे दो चेन लेनी है दो चेन ली अब हमारी जो नेक्स्ट चेन है नेक्स्ट चेन में डालेंगे ये डबल क्रोशिया इसी चेन में फिर से करेंगे एक ही चेन में से हमें तीन बार डबल क्रोशिया करना देखिए और धागा जो बैक साइड में इसको भी हम साथ के साथ बुनते हुए जाएंगे धागा लपेटा इसी चेन में फिर से करेंगे फिर इससे नेक्स्ट चेन में डालेंगे नेक्स्ट चेन में डाला एक डबल कोशिया फिर से इसी चेन में तीन तीन बार करना है मतलब टोटल हमें एक बार कर लिया हमने ये दो बार ये तीन बार तो ये देखिए हमने एक चेन में तीन बार डबल क्रोशिया कर लिया है। ऐसे हमें सभी चेन में से तीन तीन बार डबल क्रोशिया करना है इससे हमारी फ्रिल जैसी बन के आ जाएगी ये दो बार और ये तीन बार अगर आपको लगे ज्यादा हमारा फ्रिल ज्यादा आ रही है तो आप इसमें एक चेन में तीन बार कर लीजिए एक चेन में आप दो बार कर लीजिए उससे भी बहुत अच्छी सी फ्रिल आ जाएगी अगर वो नॉर्मल है आपकी ज्यादा मोटी नहीं है तो तीन तीन बार सभी चेन में से यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लीजिए चलिए मैं ऐसे ही सभी चेन में से तीन तीन बार डबल क्रोशिया करके कर, कर लेती हूँ कंप्लीट ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी चेन में से यहाँ पे तीन तीन डबल क्रोशिया लिया तो हमारा इस तरीके से फ्रिल सा बन के आ गया बस हमारे यहाँ से चेन हमें सॉरी धागा कट कर देना है ये हमारा धागा कट कर दिया तो हमारा ये एक पल्ला बन गया देखिए इस तरीके से एक पल्ला हम ऐसा और बना लेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पल्ला बना के रखा हुआ है तो हमारे दो पल्ले यहाँ पे बन गए इससे हमारी स्लीव वाली ड्रेस काना जी की जो बन जाएगी तो इसको हमें देखिए सिलना इस तरीके से इसका हमें जो पूरा पल्ला है एक तिहाई भाग कर लेंगे आप चाहते हैं यहाँ पे चौक से भी मार्क लगा सकते हैं बहुत ज्यादा नापने की जरूरत नहीं है ऐसे अंदाजे से या फिर आप यहाँ पे मार्क लगा लीजिए बस यहीं से हमें अपना स्टिचिंग शुरू कर देनी है और ये देखिए हमारे यहाँ पे चेन चेन जैसा कुछ आता है ये हमारी चेन चेन है तो हम इसी चेन के अंदर अपना सुई डालेंगे और स्टिच करेंगे इससे क्या होता है फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है सिलने के लिए ऐसे सिलेंगे बहुत ज्यादा ना टाइट सिलना है बहुत ज्यादा ना लूज सिलना है और मैचिंग का ही ऊन यूज करें जिससे कि आपकी ड्रेस में फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी ये देखिए कितना इजी है सिलना और ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा इसको भी हम यहाँ इसके साथ ही एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसे जो एक्स्ट्रा धागा का धागा वागा है, उसे हमें कट कर देना है इसको और जो हमारा ये नीचे वाली जो साइड है इसको अच्छे से यहाँ पे हमें किनारे पे टक करना है जिससे कि हमारी सिलाई बहुत अच्छे से हो जाए फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए और इसके खुलने के चांसेस बिल्कुल ना रहे ये देखिए हमने सिल लिया है अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा ऊपर ऐसे धागा लाएंगे नीचे कट नहीं करेंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग आ जाएगी देखिए थोड़ा सा ये रेशे बहुत होते हैं इसमें धागे में तो हमारा ये उलझने के चांसेस रहते हैं ये हमने धागा ऊपर लिया है अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा धागा है, इसको एडजस्ट कर दिया हमने इसे कट कर देंगे और यहां से हमें नॉट लगा देनी है ये हमने यहां से ऐसे नॉट लगानी है अब हमने यहां से नॉट लगा दी बस हम यहां से धागे को कट कर देना है कट करने के बाद हमारा बैक साइड हमने सिल दिया है ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा अब हमें ये कैसे सिलना है अब हम इसको ऐसे सिलेंगे ये पट्टी धर लाएंगे और ये ऐसे यहां से यहां तक सिलेंगे और यहां से यहां तक सिलेंगे चलिए हम जल्दी जल्दी से स्टिच कर लेते हैं ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसे स्टिच कर लिया है ऐसे हम दूसरी साइड पे स्टिच कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे स्टिच कर लिया अब हम क्या करेंगे इसे पलट लेंगे ये देखिए हमारी जैकेट बनके रेडी अब हमारी देखिए जैकेट बनके रेडी हो गई है इसके थोड़ी सी हम आउटलाइन और करेंगे उससे पहले हम यहां पे ये देखिए मैंने कैप कैप बनाई है और आगे जाके ये थोड़ा सा खुल जाता है तो हमने यहाँ पे टोटल बीस चेन ली बीस चेन लेने के बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया दो चेन छोड़ के तो ये एक दो तीन तीन रो बनाई है सिंपल जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी जैकेट के लिए तीन चेन बनाने के बाद जैसे हमने स्लीव बनाई है सेम उसी तरीके से बीस चेन है सभी पे हमने तीन तीन बार यहां पे डबल क्रोशिया कर दिया तो जैसे हमने ये स्लीव बनाई है अपनी सेम स्लीव की तरह तीन डबल क्रोशिया की रो बनाई और चौथी रो हमने यहाँ पे तीन तीन डबल क्रोशिया सभी चेन में से ले लिया तो ये हमारी कैप बन के रेडी हो जाएगी इसको भी चलिए पहले स्टिच कर लेते हैं आउटलाइन में आपको बताना बता दूंगी फिर बाद में पहले हम इसकी कैप की स्टिचिंग कर लेते हैं फिर हमारा सुई धागे का काम पूरा हो जाएगा बस सिंपल हमें ये साइड से सिल देना है इस तरीके से ये हमारी कैप हो जाएगी हेड वाली उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ये फ्रिल सी बनाई है बस अब हमें ये साइड में इस तरीके से सिल देना है इसको भी साथ के साथ एडजस्ट कर लेंगे थोड़ी दूर तक सिल के इससे धागे को जो हमारा एक्स्ट्रा इसको हमें कट कर देना वैसे हमारे जो वुलन होती है स्टिच करने के बाद कहीं भी निकलती नहीं है नॉट लगा के भी आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी ये देखिए पट्टी हमें ऊपर तक सिल लेनी है ये हमने ऊपर तक यहां तक सिल लिया देखिए अब हमें यहां से ऊपर भी चेन आ जाती है हमारी ये देखिए यहाँ से एक चेन छोड़ के एक चेन में से सुई निकालेंगे ये एक चेन छोड़ी एक चेन में से निकाला थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे हमें यहाँ से निकाल लेना है और ये निकालने के बाद सारा जो हमारा हमने पट्टी बनाई उसको ऐसे खींच देंगे सिंपल तरीके से हमारी हैट बन जाएगी ये देखिए बस हमें यहाँ पे एक दो बार टक कर देना है एक दो बार टक कर देंगे इससे फिर हमारा ये कैप खुलेगा नहीं और बस ज्यादा टक करने की भी जरूरत नहीं एक दो बार टक करके यहाँ से नॉट लगा दी देखिए हमने नॉट लगा के धागे को कट कर देंगे तो हमारी कैप बन के रेडी हो जाएगी इसे पलटेंगे हमारे यहाँ पे हेड बन के रेडी हो गई है ये देखिए चलिए अब हम अपना आउटलाइन कर लेते हैं जैकेट पे वैसे हमारी जैकेट बन के रेडी हो गई देखिए अब जैसे हमने स्लीप पे आउटलाइन कर रखी है वैसे हम नीचे भी कर देंगे अब ये देखिए हमारी सीधी साइड है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और ये देखिए हमारे यहाँ पे लूप आए हुए हैं यहाँ पे हमारी चेन नहीं होगी आड़ी पट्टी है क्योंकि ये देखिए ये लूप है ये ये लूप है चेन नहीं हमारी तो हम कोई बात नहीं लूप पे ही वर्क करेंगे बिल्कुल किनारी से ऐसे अपना धागा जोड़ लेना है नॉट लगाई हमने नॉट लगा के निकाला और ये हमने यहां से लॉक कर दिया यहां से अब हम लेंगे एक चेन और एक चेन लेने के बाद देखिए ये जो हमारा फर्स्ट लूप है इसमें से हाफ डल कोशिया करेंगे एक हाफ डल कोशिया इसमें से एक बार और हाफ डल कोशिया करा देखिए अब ये जो नेक्स्ट लूप है नेक्स्ट लूप में से भी दो बार हाफ डल कोशिया करेंगे चेन हमारी चेन सिंगल होती है उसमें से एक ही फंदा आ पाता है और ये जो लूप हमारे होते हैं बड़े होते हैं इसलिए हम इसमें से दो दो बार हार्फ डलकोशिया ले रहे हैं ये हमने दो दो बार हाफ डल कोशिया करना देखिए अब हमारा जो जॉइंट है दोनों पल्ले का यहां से भी हमें हाफ डल कोशिया लेना है ज्वाइंट में से एक ही लेंगे फिर लूप में से दो बार हाफ डल कोशिया लूप में से हमें दो दो बार हाफ डुलेश लेना और जो हमारा पट्टी हमने जॉइंट किया वहां से हमें एक हाफ डल क्वेशा लेना है ये देखिए हमारा कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से अब यहाँ भी हमारी पट्टी ज्वाइंट है तो इस ज्वाइंट पे भी हमें हाफ डबल क्रोशिया लेना है ये देखिए अब नेक्स्ट लूप लूप है तो नेक्स्ट पे इसमें एक अगर आप एक आधा रह भी जाता है चेन कम रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आप इसमें एक दो डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं और कम लेंगे तो भी कोई बात नहीं है ये तो बस हमारा थोड़ा सा हमने आउटलाइन करने के लिए लिया है बस इतना ध्यान रखें कि डबल क्रोशिया करने के बाद देखिए हमारी पट्टी ऐसे सीधी आनी चाहिए अभी फिर से हमारा जॉइंट है तो जॉइंट में से हमने फिर से ऐसे एक क्रोशिया हुक डाला और अपना हाफ क्रोशिया किया हमें पट्टी सीधी चाहिए और अगर कम ज्यादा हो जाता तो आपको उधेड़ने की जरूरत नहीं है आप उसी में ही एडजस्ट कर दीजिए इतना खास पता भी नहीं चलता क्रोशिया से जैसे हम बनाते हैं तो अगर सलाई वाला इसे बनाते हैं तो थोड़ा सा पता चल जाता है ये देखिए हम क्रोशिया से अगर कोई चीज बनाते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बनाने में भी इजी रहता है एडजस्ट भी हो जाता है हमने यहाँ पे एक रो बना दी है अब हम क्या करेंगे देखिए? एक रो और बनाएंगे हम यहाँ से दो चेन ले ली हमने और दो चेन लेने के बाद ये जो हमारे अब हमने डबल क्रोशिया लिए हुए इनके बीच के जो लूप है इस पे वर्क करेंगे एक डबल क्वेश्चन लिया अब ये जो लूप है इस वाले पे भी हमें डबल क्वेश्चन लेना है अब ये जो हमारे दो डबल क्वेश्चन इसके बीच का लूप है इस पे भी हम डबल क्वेश्चन ले लेंगे मतलब जितने भी हमारे लूप नजर आ रहे हैं हमें सभी पे एक एक बार डबल क्वेश्चन लेना देखिए ये दो डबल क्वेश्चन इसके बीच का लूप ले लिया चेन पे नहीं ले रहे हम फिर इसके नेक्स्ट वाला ले लिया ऐसे हम सभी लूपों पे से चेन पे से लेते हैं और यहाँ हमारा लूप थोड़े बड़े हैं तो हम लूपों में से डबल क्वेशा ले रहे देखिए इससे हमारे बड़े बड़े डबल क्वेशा बन के आएंगे तो चलिए मैं सभी लूपों में से एक एक बार डबल क्वेश कर लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स हमारी रो पूरी हो गई है तुम्हारी आउटलाइन इतनी काफी है अगर आप और भी ज्यादा मतलब इसमें जैसे स्त्री की हमने यहाँ पे फ्रिल बनाई है उसी तरीके की फ्रिल आप यहाँ पे बना सकते हैं जैसे हमने अभी डबल क्वेशा किया है सभी लूपों में से आप तीन तीन बार डबल क्वेशा ले लीजिए तो फ्रिल वाला हमारा ये थोड़ा सा खुल्ला खुल्ला सा आ जाएगा लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रेट जैकेट बना रही हूँ बस हमने यहाँ पे दो रो बनाई फ्रेंड्स उसके बाद हमें धागा कट कर देना हमारी जैकेट बनकर रेडी हो गई है थोड़ा बहुत आप इसमें चेंजेस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं मैंने सिंपल बनाना बताया आपको फ्रिल बनाने के लिए आपको बस सभी लूपों में से तीन तीन बार डबल क्रोशिया निकालना है और बस आपका ये नीचे से स्लीव जैसी हमारी घेरा बन के आ जाए ये हमने यहाँ से धागा एडजस्ट कर दिया और ये सारे एक्स्ट्रा धागे वागे हमें कट कर देते हैं तो ये हमारी देखिए जैकेट बनके काना जी की रेडी हो गई है ये जैकेट आप चार नंबर और पांच नंबर कानाजी को आराम से पहना पाएंगे पांच नंबर कानाजी को अगर आप पहनाते हैं तो बैक ओपन आ जाएगी ये खुली साइड पीछे आ जाएगी और ये फ्रंट साइड आगे आ जाएगी और साथ में देखिए हमने मैचिंग की कैप भी बना है तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो गाना जी की ड्रेस की आपको कैसी लगी है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा।